चैनल किरण पाठक की दुनिया। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया बढ़िया होंगे। और कल आपने देखा ही कि बर्थडे था, तो मेरी तो टूट गई है कमर, बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। मैं बता नहीं सकती कि मैं भी बैठी कैसे हूँ, मेरे ऐसे हो रहा है अकड़ सा गया, जैसे मन कर रहा है लेट जाऊँ, बट अभी नहीं लेट सकती। एक तो दिमाग ख़राब भी हो रहा है मेरा, बहुत ज़्यादा अंदर से परेशान हूँ, डिस्टर्ब हूँ। कल हस्बैंड जी का बर्थडे भी था, तो थोड़ा सा उनको मैंने भी परेशान कर दिया। अब नुकसान चाहे इतना हो या इतना हो, नुकसान नुकसान ही होता है। मैंने कल आपको दिखाया भी था, मेरा फ़ोन टूट गया बिना बात पे। सब कुछ खाया पिया, लास्ट में सब कुछ केक वेक लिया, सब सामान दिया, गिफ्ट लिया, लेके बस निकलने वाली थी, वो फ़ोन इतना सा नीचे गिरा, बस इतना सा। पिंसू इस फ़ोन को यहाँ से इतनी दूर फेंकता था तब नहीं टूटा ये घर में, पता नहीं बाहर रोड पर इतनी सी जगह में, सिर्फ इतने से स्पेस में ऐसे बैठी थी, नीचे गिर गया, और गिरते ही पूरा ग्लास चला गया इसका। वो तो ये है कि डिस्प्ले बचा हुआ है, बट ग्लास पूरा टूट चुका है। ओरिजिनल ग्लास इसमें पता नहीं कितने का डलेगा, और क्या है इसका डुप्लीकेट भी डलवाऊंगे तो वो भी क्या है, समझ नहीं आ रहा। तो ये मुझे अभी जाना है शॉप पे बाहर दिखाने के लिए, दिखा के आती हूँ कि कितना मतलब क्या है इसका। नया फ़ोन तो अभी नहीं ले सकते क्योंकि अभी 1 साल ही हुआ है इस फ़ोन को लिए हुए। और भैया हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है, ऐसे फ़ोन एकदम से लिया भी नहीं जाता है। आप लोग भी हो, हम भी हो, इतनी जल्दी जल्दी ले भी नहीं पाते हैं, फ़ोन चेंज नहीं कर पाते हैं। और कोई भी हो यार, क्यों चेंज करेगा जब सब कुछ ठीक है। बस ये ग्लास टूटने के चक्कर में फ़ोन मैं तो नहीं चेंज करना चाहती। और दूसरी चीज़, अभी ताई जी आई हुई है, नाना जी भी जाने वाले हैं, नाना जी को जाना है अब गाँव, तो नाना जी अब कह रही हैं मेरे को गाँव जाना है सकरात से पहले, तो आज वो यहाँ से नजफ़गढ़ जाएंगी, वहाँ ताई जी हैं उनको लेने आएंगी, वहाँ रहेंगे 2 दिन, और 2 दिन वहाँ रह के उसके बाद वो गाँव जाएंगे। तो थोड़ा सा ये भी हो रहा है, नाना जी जा रहे हैं, क्योंकि जब तो वो यहाँ पे थे ना तो बड़ा अच्छा सा मन सा लगा रहता था, वो टीवी में रामायण महाभारत ये सब चीज़ें देखते थे ना, बड़ा अच्छा सा होता है, भगवान की चीज़ें चलती थी। वैसे हम लोग भी देखते हैं, पर ये कितना टाइम होता नहीं, हम लोग मूवी वूवी इन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन वो पूरे टाइम बस वही देखते हैं, मतलब रामायण कभी तारक मेहता चश्मा में देख लेते हैं, बट भगवान की चीज़ें मतलब ज़्यादा, और पूजा पाठ में भी ज़्यादा हो रहता है, मतलब अच्छा लगता है वो। मतलब सुबह सुबह वो भजन भी गा रहे होते हैं सुबह, कभी 8 बजे, कभी 7 बजे, कभी जल्दी, तो मतलब उठ जाते हैं जल्दी 4 बजे, तो मतलब भजन गा रहे होते हैं, हम तो सो रहते हैं उस टाइम, उनका भजन की आवाज़ आई रहती है सुबह सुबह, बिल्कुल ऐसा अच्छा लगता है, सुकून सा मिलता है। बट अभी वो जा रहे हैं तो थोड़ा सा ऐसे हो रहा है कि जा रहे हैं, मम्मी को भी हो रहा है, मम्मी रो भी रही थी ताई जी के सामने, तो यही है। बाकी मैं जाती हूँ अभी फ़ोन लेने के लिए, मतलब दिखाने के लिए, बाहर लेने के लिए कह रही हूँ, दिखाने के लिए बाहर कि क्या है इसमें, फ़ोन में कितना खर्चा आएगा ग्लास लगने में, और मैं दिखाऊंगी आपको गिफ्ट जो कि हस्बैंड जी को मिले हैं, कहाँ से आए हैं, किसने दिया है, ये सारे गिफ्ट दिखाऊंगी। बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है आज का व्लॉग, तो वीडियोस को आगे तक जरूर देखना, स्किप मत करना। ये वाला थोड़ा सा मेरा बोलना थोड़ा ज़्यादा हो गया, उसके लिए सॉरी, बट आगे जरूर देखना। ओके, दादू जा रहे, बाय बाय, एक दिन में बहुत टाइम लगेगा, बाय बाय, बाय बाय, एक दिन में, बाय दादू जा रहे, बाय जाओ, अब से जाएगा वो। अरे मैं अपना मास्क ले आऊं, मुंह गंदा हो रहा है उसका, टॉफी खा रहा था ना, अब ये जाने नहीं देगा, अब रोए को। गुद्दी सब्जी वाले लग गए, पापा पापा मेरी पलटन जा रही है ये नाना जी के साथ। हाँ मुझे दिखाना था, ये देखो हमारी गली के बाहर सब्जी भी लगने लग गई है, मतलब हमें अब बाहर जाने की जरूरत नहीं है, हमारी गली में ही सब्जी स्टोर लग गया है, सब्जी स्टोर लग गया हमारे घर के बाहर। हम तो भारी घर है, हमारे घर के पास सब्जी मंडी लगी है, यही वही बता दिया मैंने कि सब्जी हमारे घर के बाहर ही लग गई है। देखो ये हमारा घर और ये हमारे सब्जी के स्टोर लग गए हैं।
हर गली में घुसे होंगे, बाहर भी लगे होंगे घुसे। इससे तो बढ़िया हो गया, हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं। डिस्टेंस मेंटेन करना। नाना जी को और ताई जी को हम थोड़ा बाहर तक छोड़ते हैं और मैं अपना फोन भी दिखा लूंगी बाहर। सब्जी तो लगी हुई यहाँ पर, चाउमीन वाउमीन के स्टॉल भी लग गए हैं, विजय एग रोल, सॉरी एग रोल वगैरह, रोल वगैरह जो मिलते हैं वो भी स्टॉल लग गया। हम आ गए हैं फोन को देखकर, मतलब देखकर नहीं आए, फोन तो हमारे हाथ में ही है, कल जाएंगे देने के लिए, मैं घर जाके बताऊंगी क्यों किस लिए। सो गाइस हम आ गए हैं अभी घर पर और सबसे अच्छी बात अब मैं थोड़ा सा खुश हूँ कि मेरा फ़ोन ठीक भी हो जाएगा। थोड़ा सा 1% रिस्क है, वो इसलिए है क्योंकि ग्लास का कुछ चक्कर वक्कर होता है कि डिस्प्ले जाने का 1% डर होता है, क्योंकि जब हम वो ग्लास को, इस जो टूटा हुआ ग्लास है, जब इसको वो हटाते हैं कुछ गरम गरम करके तार डाल के, जब इस ग्लास को हटाते हैं तो उसमें कुछ डिस्प्ले में कुछ इफेक्ट पड़ता है, तो उसका थोड़ा 1% होता है जाने का डर, तो उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा आ सकता है, 5,000-5,500। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा अगर हम 20 फ़ोन ठीक करते हैं तो उसमें से एक फ़ोन में ऐसी दिक्कत आ जाती है, कई बार टच हो जाता है तो डिस्प्ले चला जाता है, बट सब फ़ोन में नहीं होता, तो 1% का रिस्क लेके चलना होता है जब ग्लास चेंज करते हैं। तो बाकी एक जगह मैंने पूछा बाहर, सबसे पहले जो पुरानी शॉप थी वहाँ पर उसने बताया 1500, फिर मैंने सोचा चल दूसरी जगह और ट्राई करती हूँ, नहीं तो मैं फ़ोन कर दूँगी। 1500 भी ठीक है अगर ग्लास चेंज, पूरा ग्लास चेंज करेंगे, वो कह रहे हैं पता नहीं ओरिजिनल डालेंगे, ऐसे बोल रहे हैं, मैं तो लग नहीं रहा ओरिजिनल होगा, डुप्लीकेट ही होगा। उसके साइड वाली शॉप पे हमने पूछा तो उसने बोला 1150, फिर मैंने सोचा चलो ठीक है 1150 भी ठीक है। फिर मैं अंदर गई, मैंने कहा चलो एक और वीवो का एक और शोरूम सा आया, वीवो का शोरूम है वो, बट वहाँ पर फ़ोन भी रिपेयर होते हैं हर तरह के, हर ब्रांड की, और वहाँ पर मतलब और भी, मतलब इलेक्ट्रिक्स और भी चीज़ें मिलती हैं, तो वहाँ पर पूछा तो उसने बोला 800। मैंने कहा चलो इससे ज़्यादा सस्ता नहीं है, इससे अंदर अगर जाऊँगी तो 500। मैंने कहा नहीं, ये बड़ी शोरूम भी है और बहुत पुरानी शोरूम है वो वीवो की, तो वहाँ पे उसने 800 रुपये बताया। तो मैं ये फ़ोन मैंने क्या सोचा कि मैं कहा आज नहीं दूंगी, कल दूंगी, आज मैं सारी जो भी इसमें सारी मतलब गैलरी में जो भी पिक्चर्स वीडियो है वो ले लेती हूँ, लैपटॉप में ट्रांसफर कर लेती हूँ। मैंने कहा हो सकता है कि क्या पता फोल्डर ना गायब हो जाए, जो भी मैंने वीडियो शूट की है ब्लॉगिंग के लिए, जो भी मैंने रखा है इसके अंदर फ़ोन में सेव करके, वो सारा पहले मैं लैपटॉप में ले लूँ, उसके बाद मैं कल फ़ोन दूंगी रिपेयर के लिए। तो 800 रुपये ठीक है यार, 800 रुपये में ठीक हो रहा है ग्लास लगा रहे, बट 1% तो रिस्क लेके चलना पड़ेगा, ऐसा ना हो मेरा फ़ोन हो, क्योंकि वो कहते हैं 20 फ़ोन में से एक फ़ोन में ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जब वो ग्लास हटाते हैं, उस टाइम पे थोड़ा टच वच में और डिस्प्ले जाने का डर रहता है, कुछ ऐसा ज़्यादा कुछ मुझे नहीं पता, तो ऐसा है। तो मैं कल दूंगी फ़ोन ठीक करने के लिए, आज इसको ऐसे ही चलाते हैं, सारे जो भी फोल्डर वीडियोज़ हैं, फोटो कह रही वीडियोज़ वगैरह हैं, फोटो है, सारे मैं ट्रांसफ़र कराती हूँ, और एडिटिंग करवाने के बाद ये फ़ोन कल मैं देती हूँ, 2-2.5 घंटे में दे देंगे वो कह रहे थे। हाँ तो बात ये बताना था मुझे, अभी थोड़ा सा रिलैक्स हो रहा है मेरे मन को कि चलो मेरा फ़ोन का जो मेरे को लग रहा है ना, मैं हाथ ऐसे भी लगा रही हूँ ना चुभ रहा है, ये ग्लास टूटा हुआ है ना, और बच्चों को भी मैं अपने फ़ोन को बच्चों से दूर रख रही हूँ इनके हाथ में ना लग जाए, तो इसलिए जल्दी की गलती है मेरी गलती पिज़्ज़ा खाने का करना। चलिए हाँ जी, हम पिज्जा खा रहे थे, हमने सब कुछ खा लिया था, सब हो गया था, बस लास्ट मोमेंट पे आके पता नहीं क्या हुआ, क्या इसका टाइम आ रखा था, और भाभी से ये पूछना कितनी बार गिरा था, घर पे आने के बाद भी ये 5-7 बार गिरा फोन, गिरा है, मतलब 5 बार गिरा बाहर, गिरा घर पे तो पहले भी कितनी बार गिरा है, नन्नू ने पिंसू ने कितनी बार ऐसे फेंका है, तब नहीं टूटा, पता नहीं कल कैसे इतनी सी जगह में टूट गया, पता नहीं आ रही होगी इस फोन की बिचारे की, क्या कर सकते हैं। तो चलिए अब एडिटिंग करा लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ गिफ्ट था वो सब क्या आया है, गिफ्ट ये सब दिखाऊंगी, मैजिक गिफ्ट भी है, मैजिक कल खोला, किसने भेजा है देख के मेरे को बताओ, खराब हो गया, कल खोला है ये लो, बोल भी नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला, खोलना है खोलो उसको, लूंगा ये बस गिफ्ट पैक खुल रहा है, ये गिफ्ट कल ही आ चुका था, मेरे ऊपर क्यों डाल रहे हो, अरे यहाँ ये गिफ्ट है, खोल ही लिया ये,
कल ही खोलना चाहिए था आपको, कल क्यों नहीं खोला? इतना होना था, कल ही खोलना चाहिए था। बेचारी कल से वेट कर रही थी वो गिफ्ट खोलने के लिए। मैं तो लाइव बोल रही हूँ वीडियो में। बर्थडे वाले फोन खोलूंगा थी और भी थोड़ा खोलूंगा तो बर्थडे वाले भी खोलूंगा ना। लो ये लो, चल रहा है। ये कौन पुड़िया देखो, ये कौन है? ये दिया है निक्की ने, जो कि हमारा सबसे प्यारा और सबसे पहला गिफ्ट है। ये एक दिन पहले ये गिफ्ट आ गया था, वो चाह रही थी कि ये एक दिन पहले खोले, पर इन्होंने बोला कि नहीं मैं दूसरे दिन ही खोलूँगा, बर्थडे वाले दिन ही। तो अच्छा गिफ्ट है, इसमें सबकी फ़ोटो है, आप देख सकते हो, पापा मम्मी मैं, छोटे वाले देवर पिंटू और हस्बैंड जी और नन्नू। पिंसू नहीं है इसमें अभी, क्योंकि पिंसू की कोई छोटे की फ़ोटो नहीं है। हाँ ये रहा पिंसू, पिंसू भी है ये तो है मेरी गोद में। तो ये सारी फोटो हैं और नहीं, ये तो नन्नू है, नन्नू पिंसू दोनों तो है, ये देखो ना। हाँ ये इसके बाद ये गिफ्ट दिया है हॉर्स वाला। किसने दिया है ये हॉर्स वाला? पता नहीं, ये पंकज के ऑफिस वाले लाए हैं। और ये दिया है हिना और विक्की ने डियोडन बाय। और ये दिया है लैंप, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था, इसको हम अच्छे से डिटैच करके दिखाएंगे। और ये है कैंडल, जो कि इसके साथ ये लेवेंडर की कुछ लिक्विड आता है, इसमें डाल के पता नहीं कैसे करके इसको लगाते हैं, पढ़ेंगे इसको पहले फिर लगाएंगे। इसमें बड़ी अच्छी फ्रेगनेंस आती है, लेवेंडर की फ्रेगनेंस आ रही है इसमें से, मैंने भी देखा था, ये लिखा भी है इसमें, कैंडल है मतलब, इसको जला जुलू के कुछ करते हैं, तो देखते हैं कैसे करेंगे, मतलब मैं इसको अच्छे से देखूंगी फिर बताऊंगी। और क्या था, हाँ, और टी शर्ट दी है, हुडी दी है, ये मम्मी ने दी है मेरे वाली, जब इन्होंने केक काटा था तब पहनी थी, तो मैंने वो जैकेट दी थी ये रख। और ये हुडी, ये नहीं पता किसने दी है, क्योंकि इनको पैकिंग खोलने कितनी जल्दी लग रही थी। ये सारे राज सर ने दिए, इनके राज सर ने। तो ये सारा गिफ्ट है, ये नल वाला कोई शो पीस है, नल लगेगा इसमें शायद पानी वानी डल के, और ये कोई लैंप टाइप का है। हाँ लैंप है ये शायद, इसको अच्छे से इसको फिट फिट करके अच्छे से करके इंस्टॉल करके दिखाएंगे आपको अंदर, कल अंदर में लगेगा।